इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस कैसे शुरू करें? इंसान की जरूरतें वक्त के हिसाब से बदल रही हैं। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ फोन और डेटा अब हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गया है। अगर आप इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये आज के समय में एक बेहद अच्छा बिजनेस आइडिया है। कोविड-19 महामारी के चलते अधिकतर जॉब और बिजनेस वाले लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा भी हर जगह नेट की आवश्यकता पड़ती जा रही है। हम सबकी दुनिया मोबाइल और नेट पर आकर सिमट गई है। आज के समय में बिना नेट सब शून्य ही रहता है। ऐसे में सबसे अधिक जो डिमांड है वो है नेट कनेक्शन की। अगर आप इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस को अपने बिजनेस आइडिया के तौर पर देखते हैं तो ये काफी अच्छा विकल्प है जिसकी डिमांड हर जगह रहती है और इस बिजनेस को शुरू करने का एक बेहद अच्छा समय है। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस क्या है? ब्रॉडबैंड मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल में लाया जाता है जिससे आसानी से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कई तरह की सुविधाएं दे सकते हैं। कैसे शुरू करें इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस का बिजनेस? रिसर्च करें। आप जिस जगह ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं सबसे पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जान लें। क्या कोई और भी उस जगह पर यही बिजनेस कर रहा है? यदि कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी जुटाएं, उसके सर्विस प्लान के बारे में पता करें, लोगों से फीडबैक लें, उस कंपनी के बारे में रेटिंग लें जिससे आपको अंदाजा लगे कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं। अब अपने बिजनेस को एक बार फिर से रिव्यू करें जिससे जो भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकें। लोगों के रिव्यू और रेटिंग से सीखते हुए उन तक नए अंदाज में अपना पैकेज लेकर पहुंचे। अगर आप उन्हें वो फैसिलिटी दें जिसकी उन्हें आवश्यकता है तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अपने पैकेज को डिजाइन करें। आप अपने वहाँ क्या क्या सर्विस देंगे उन सभी को एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ मिलकर प्लानिंग बनाएं और लोगों की डिमांड के अनुसार अपना पैकेज तैयार करें। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको एक अच्छे वकील की आवश्यकता होगी। वकील के साथ मिलकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। इसके बाद आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस के लिए संपर्क करना होगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क करने के बाद आपको केबल ब्रॉडबैंड स्टेशन से संपर्क साधना होगा जिसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव से बात करने कंपनी के सीईओ से मीटिंग फिक्स करनी होगी। मीटिंग फिक्स होने के बाद आपको इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर को सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, नहीं तो आपको किसी और केबल ब्रॉडबैंड स्टेशन से संपर्क साधना पड़ सकता है। जब तक आपके बिजनेस की लिखा पढ़ी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको इसी तरह से इधर उधर पता लगाते रहना है। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए निवेश कितना होगा? यदि आप इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 10 से 12 लाख तक का बजट होना चाहिए। हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए एरिया के हिसाब से, लेकिन एक बार आपने अगर इसमें निवेश कर लिया तो इसी बिजनेस से आपको कई गुना रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका भविष्य सुनहरा है। बस आपको समय समय पर अपने पैकेज और पॉलिसी से समय के साथ परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। अपनी सर्विस को सबसे बेहतर बनाते रहने की आवश्यकता होगी। उम्मीद करते हैं हम आपके लिए इस वीडियो में कहीं हद तक जानकारी जुटाने में सफल हुए हों। फिर भी यदि इस बिजनेस से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। जल्द ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।